खबर बांदा जनपद से है, जहां बबेरू कस्बे में पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर दबंग एक युवक पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसे इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर पहुँच कर घटना का जायजा लिया है। पूरा मामला बबेरू कस्बे के मनोरथ थोक औगासी रोड का है, जहाँ पर पैसे के लेन देन को लेकर बबेरू कस्बे के ही रहने वाले शत्रुघ्न पुत्र दिगपाल सिंह उम्र 25 वर्ष मंतोष कुमार पुत्र श्यामलाल के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें शत्रुघ्न के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे शत्रुघ्न गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने उपचार करने के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं परिजनों के द्वारा बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर इलाज के दौरान शत्रुघ्न की मौत हो गयी। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मृतक शत्रुघ्न के भाई समर सिंह ने हमला करने वाले हत्या आरोपी दो लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर लेते हुए आरोपी युवक मंतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान पहुंचकर घटना की जानकारी की। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें शत्रुघ्न के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसको बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान अस्पताल पर मौत हो गई। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वाले इनके वो है कोई? आ रहे। आज बबेरू कस्बे में करीब 2 बजे के आसपास दिन में एक मनोहर और शत्रुघ्न के बीच में कुछ पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें मनोहर ने जो है उसको हसीये से वार कर दिया और जख्मी हालत में उसको तत्काल CSC पहुंचाया गया। CSC से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उसके मृतक के भाई के द्वारा जो है तहरीर थाने पर दी गई है और उसकी तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो जिसने उसके ऊपर वार किया था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। ठीक मैम।